जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है वो बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण होता है, और इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत ही सही और उत्तम यह समय होता है। तो दोस्तों, इस दिन हम आपको एक ऐसा किया जाने वाला विशेष उपाय बता रहे हैं, जिस उपाय को अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके जीवन में आने वाली सारी दुख समस्याएं दूर होंगी, कोई विशेष मनोकामना होगी तो वो भी पूर्ण होगी, साथ ही में आपका कोई काम रुका हुआ अटका हुआ होगा तो वो भी पूर्ण होगा। बस एक काम आपको करना होगा, उपाय को पूरे मन और पूरी श्रद्धा से करना होगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी दुख समस्या होगी वो ज़रूर दूर हो जाएगी। करना क्या है दोस्तों, यह उपाय सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन आप लोगों को करना है, और इस उपाय करने के लिए आपको जो है तीन चीज़ों की आवश्यकता होगी, और इस उपाय को आपको सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, आपको लेना है सबसे पहले 31 चावल के दाने। चावल के दाने आपको आपके घर में मिल जाएंगे आराम से, तो 31 चावल के दाने गिनकर अपने पास रख लेना है ना। उसके बाद 31 आपको हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने कौन से, जो दाल होती है ना, वो दाल नहीं रखना है, जो पूरे पूरे हरे मूंग के दाने होंगे ना वो लेना है। 31 ही हरे मूंग के आपको दाने लेना है। उसके बाद आपको लेना है 31 बेलपत्र। बेलपत्र आप खरीद कर ला सकते हैं या वृक्ष से तोड़ कर ला सकते हैं, 31 आपको बेलपत्र लेना है। बस ये तीनों चीज़ों की आवश्यकता होगी इस उपाय को करने के लिए, और थोड़ा सा पीला चंदन की आवश्यकता होगी, है ना। तो आपको करना क्या, प्रातःकाल सुबह सुबह स्वच्छ होकर स्नान करके आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में, इन तीनों ही चीज़ों को तैयार करके। अब सबसे पहले जैसे ही आप लोग शिव जी के मंदिर की चौखट तक पहुंचेंगे तो उस समय आपको रुक जाना है। रुकने के बाद आप उस समय, आपका उस समय जो सीधे हाथ की हथेली होगी भगवान शिव जी को देखते हुए, तो उस सीधे हाथ की हथेली पर आपको जो भी चौखट हो, मतलब शिव जी की चौखट हो, उस सीधे हाथ की हथेली की चौखट पर आपको करना है 31 चावल के दाने निकालकर अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना को बोलते हुए उस स्थान पर चौखट पर रख देना है 31 चावल के दाने, है ना। रखने के बाद दोस्तों अब आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद आपको आकर रुकना है नंदी बाबा के पास में। नंदी बाबा के पास में आकर आपने देखा होगा कि शिवजी के शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए होते हैं उनका हमेशा एक चरण उठा हुआ होता है। तो आपको करना क्या है कि उस उठे हुए चरण के पास, उस उठे हुए पैर के पास आपको 31 हरे मूंग के दाने निकालना है, सीधे हाथ के तिले में रखना है और अपनी मनोकामना बोलना है, और उस जो है उठे हुए पैर के पास रख देना है नंदी बाबा के, है ना। नंदी बाबा के उठे हुए पैर के पास आपको रख देना है। मनोकामना आपको एक ही बोलना है हर बार, है ना। जो आपने चावल समर्पित किए वहाँ पर भी यही मनोकामना बोलनी है, और जो हरे मूंग के दाने आप समर्पित कर रहे हो यहाँ पर भी यही बोलनी है, और बेलपत्री समर्पित करोगे तब भी आपको यही मनोकामना बोलनी है। ठीक है, तो बेलपत्री कैसे समर्पित करोगे, 31 बेलपत्री आप अपने साथ लेकर आओ शिवजी के शिवलिंग के पास में। 31 बेलपत्री के बीच वाली पड़ी पत्ती पर पीला चंदन लगा लो, हमने आपसे बोला था एक एक टीका लगा लो। ठीक है, टीका लगाने के बाद आपको करना क्या है कि इन 31 बेलपत्र को एक एक करके शिवजी के शिवलिंग के ऊपर, जो अशुभचंद्र का स्थान होता है, शिवजी की सबसे छोटी बेटी शिवजी की जलधारी के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, एक एक करके भी चढ़ा सकते हो, या एक साथ 31 बेलपत्र को जमा कर अशुभचंद्र वाले स्थान पर समर्पित कर सकते हो। समर्पित करने के बाद भगवान से अपनी मनोकामना, आप विनती जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मनोकामना बोलकर जो है आप अपने घर वापस आ सकते हैं, यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, इस उपाय करने से आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो, कोई भी दुख समस्या हो, आप अपनी उस विनती के साथ में इस उपाय को कीजिए, आपको निश्चित ही फल देखने को मिलेगा, और कुछ ही समय के अंदर आपकी वह दुख समस्या या मनोकामना जो होगी वो पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय करते समय आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बाले सरकार, जय बागेश्वर महादेव।